सलमान हो गए हैं पूरे अलर्ट, फुल सिक्योरिटी में होगी इंशाल्लाह की शूटिंग। जी हां, दबंग 3 के बाद सलमान का फोकस इंशाल्लाह पे होगा, क्योंकि फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज जो करनी है। सलमान और आलिया भट्ट की फिल्म इंशाल्लाह का बस उसी दिन से बना हुआ है जब से फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हुई है। अब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के लिए 3 लोकेशंस को फाइनल किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा खास इंतजाम सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और आलिया भट्ट दोनों ही बड़े स्टार हैं। ऐसे में किसी भी जगह शूटिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें आसानी से पहचान जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय लीला भंसाली ने हाई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है। अब भाई ये तो बनता ही है, क्योंकि सलमान की फैन फॉलोइंग है जो इतनी बड़ी, वो जहाँ भी जाते हैं उनके फैंस उन्हें घेर ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की लोकेशन को फाइनल किया गया है। उत्तराखंड में भी फिल्म के कुछ अहम हिस्सों को शूट किया जाएगा। विदेश में शूटिंग के लिए अमेरिका को चुना है। मियामी और ओरलैंडो बीच को भी शूटिंग के लिए फाइनल किया गया है। फॉरेन शूटिंग शेड्यूल के समय भी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के समय भी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है। ऐसे में संजय लीला भंसाली भी उसी लेवल की सिक्योरिटी शूटिंग के समय चाहते हैं। इस बात की जानकारी फिल्म के करीबी सोर्स ने दी है। फिल्म में सलमान खान 40 वर्ष के आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जो फ्लोरिडा और ओरलैंडो में रहने वाला बिजनेसमैन है। उनका किरदार जिंदा दिल है। सलमान इस फिल्म में स्टाइलिश लुक में नजर आएंगे, जिसमें डिजाइनर जैकेट और सनग्लासेस से उनका लुक पूरा किया जाएगा। अगस्त के एंड तक फिल्म इंशाल्लाह की शूटिंग शुरू होने की पूरी उम्मीद है।